लेस्टर, आइए जल्दी आइए। बात क्या है? कुछ है क्या वहां पे? इसे देखिए, ये बच्चा, ये देखिए बच्चा। इसे यहाँ कौन छोड़ कर गया? जरा देखो इस बैग में क्या है। अरे ये क्या कर दिया सर? आधे सर ये काम बहुत मुश्किल है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। दया मुझे तो बच्चों को संभालना चोर को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है, है ना? वो जरा लेटर दिखाइए। अब मुझे जो करना है वो मैं अब करके ही रहूंगा। उसका खून करने के बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा। ये बच्चा 12 फरवरी को पैदा हुआ है, इसे कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि इसका बाप एक खूनी था। आशा है आप इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। यह आदमी तो किसी का खून करने वाला है। यस सर, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। हमें इस आदमी को रोकना होगा। रोकना तो है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि यह आदमी है कौन और ये किसका खून करने वाला है। वो बच्चे के साथ जो बैग था वो कहाँ है? जरा बैग देना। इसे ब्यूरो ले चलो अभी। सर बैग में से तो काफी सामान निकला है। ये सारे खिलौने वैसे ही है जैसे हर दुकान में मिलते हैं सर। इनसे तो कुछ पता चलना मुश्किल है। सर ये कुल मिलाकर 55,000 रुपए है। ये बाकी सारे नोट तो पुराने हैं, लेकिन ये 100 रुपए वाली गड्डी बिल्कुल नहीं है, सीरियल नंबर्स में है। आशा एक काम करो, रिजर्व बैंक में जाके पता करो कि इस सीरियल के नोट्स कौन से बैंक में भेजे गए थे। यस सर। सर सर ये देखिए, इन दोनों कपड़ों पर एक ही लॉन्ड्री वाले का निशान है। ये देखिए सर। लॉन्ड्री मार्क, ये बहुत अच्छा सुराग है। और तुम्हें तो पता है हर लॉन्ड्री का निशान दूसरे लॉन्ड्री से अलग होता है। और सर पुलिस हेडक्वार्टर में रजिस्टर भी तो है, इसमें सभी लॉन्ड्री वालों की लिस्ट रहती है। हाँ? उनके निशान के साथ में। यस सम हेडक्वार्टर जाकर इस निशान को रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। यस व्हाई नॉट, जितने जल्दी हो सके ये काम करो, नहीं तो अभी निकल दो, क्योंकि जहां ये लॉन्ड्री मिलेगी बच्चे का घर वहीं आसपास ही होगा। रजिस्टर में एक भी ऐसा निशान नहीं है जो इस निशान से मैच करता है। इसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस रजिस्टर में शहर की सारी लॉन्ड्रियों के रिकॉर्ड दर्ज है। पर ये कैसे नहीं है? लगता है इस लॉन्ड्री वाले ने अपना निशान पुलिस में दर्ज करवाया नहीं हो। दया ये भी तो हो सकता है कि लॉन्ड्री मुंबई की है ही नहीं। मतलब ये लॉन्ड्री किसी दूसरे शहर की है। हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? सर काम हो गया है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन नोटों के बारे में पता चल गया है। इस सीरीज के 100 रुपए वाले नोट उन्होंने ठाणे के मेट्रोपॉलिटन बैंक में भेजे थे। ठाणे में? जी सर। हो सकता है ये लॉन्ड्री भी ठाणे में ही हो, हमें ठाणे पुलिस से मदद लेनी चाहिए। ये लीजिए सर, आपका वो लॉन्ड्री वाला रजिस्टर, इसमें सारी लॉन्ड्रियों के पते और उनके निशान हैं, मतलब लॉन्ड्री मार्क। चेक करते हैं। Okay.
का पता क्या है? ये निशान किसी डिलक्स लॉन्ड्री का है, सदाशिव स्ट्रीट पर है ये लॉन्ड्री। सदाशिव स्ट्रीट? हाँ साहब, ये कपड़ा यहीं धुला है। पक्का मालूम है? हाँ जी साहब, ये निशान हमारी दुकान का ही है। तुम इस आदमी को पहचानते हो जो ये कपड़े तुम्हारे पास लेकर आया था? नहीं, ये बताना तो मुश्किल है। अब यहाँ पर रोज इतने लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम अपने सारे कस्टमर का रिकॉर्ड तो रखते ही होगे ना, नाम पता लिखते ही होगे ना अपने पास? हाँ साहब रखते हैं, मगर साहब ये कैसे बताऊँ कि किसका और कब धुलने आया? पर कोई तो तरीका होगा ना इसका पता लगाने का कि इसका मालिक कौन है। नहीं साहब, ये मुश्किल है साहब। आप देखे ना कितने कपड़े पड़े हैं यहाँ, यहाँ है, यहाँ है, ये भी देखिए साहब, सब पे एक ही निशान लगता है, मैं कैसे बताऊँ कि ये किसका है? चलो कोई बात नहीं, इसे मालूम नहीं तो नहीं सही, लेकिन एक बात का तो पता चल गया, ये कपड़े इसी लॉन्ड्री में धुले थे और ये लॉन्ड्री थाने में है। तो हम एक बात मानकर आगे चलते हैं कि आदमी यहीं कहीं आसपास ही रहता होगा। चलो लेट्स गो। इस बच्चे में खून की बहुत कमी है, ही इज बैडली एनीमिक। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? खतरा हो भी सकता है। खून की कमी की कोई खास वजह है डॉक्टर? मुझे लगता है इस बच्चे के जन्म के वक्त इसकी माँ का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, बहुत ज्यादा खून बहा होगा उनका, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। यह हो सकता है कि जन्म देने के बाद वो खुद भी ना बची। ओहो, ये बात जरा मैं एसीपी साहब को बता देता हूँ। हेलो सर, हाँ मैं फेटिक्स बात कर रहा हूँ सर। हाँ यहीं से कर रहा हूँ सर। वो ऐसा है कि बच्चे में खून की कमी है। अच्छा डॉक्टर क्या कहते हैं? ओह वेरी सैड। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ लॉन्ड्री तो मिल गई, लगता है बच्चे के माँ बाप लॉन्ड्री के आसपास ही कहीं रहते होंगे। या यू डन अ वेरी गुड जॉब फ्रेडिक्स, कीप इट अप। ओके, फ्रेडिक्स का फोन था, तो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे के माँ की मौत डिलीवरी के समय हो गई होंगी। सर किसी मेटर्निटी होम से बच्चे के माँ बाप का पता चल सकता है? सर बच्चे का जन्म 12 फरवरी को हुआ था, यानी 15 दिन पहले। हाँ सर, हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी यहीं आसपास के किसी नर्सिंग होम में हुई हो, सदाशिव रोड के आसपास। सर हम सदाशिव रोड के सभी मैटरनिटी होम चेक कर सकते हैं। सुधाकर तुम थाने के सारे मैटरनिटी होम से फोन करके पता करो, हम भी एक एक नर्सिंग होम चेक करते हैं। ओके सर। सर जरा बताइए इस बच्चे का जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ था क्या? नहीं, इस बच्चे का जन्म इधर नहीं हुआ। जरा दोबारा चेक कीजिए प्लीज। हाँ बहुत अर्जेंट है। क्या नहीं है? एक्सक्यूज मी, जरा हाँ फोटो बघा। या बाळाचा जन्म ह्याच नर्सिंग होम मध्ये झालाय का बघा जरा। हाँ अभिजीत, पता चल गया? गुड। क्या नाम बता? जानकी मैटरनिटी होम। अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। हाँ और सुनो, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सुनीला। जी हाँ, उस औरत का नाम सुषमा था। डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी।
खून ज्यादा बह गया था। आई एम सॉरी टू से, वैसे मुझे नहीं लगता था कि ये बच्चा बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर अशोक ने किसी तरह से इस बच्चे को बचा लिया था। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक। ये क्या देखिएगा, ये वही बच्चा है? जी हाँ, यही बच्चा है। आपको अच्छी तरह से याद है, वैसे 15 दिन के बच्चे तो सब एक जैसे दिखते हैं। हम बच्चों के डॉक्टर हैं सर, हमें याद रहता है। ये वही बच्चा है। जिस दिन इस बच्चे का जन्म हुआ उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों? क्योंकि इस बच्चे का पिता दुष्यंत अपनी पत्नी के मरने पर बहुत रोया और उसे लगा कि डॉक्टर अशोक की गलती की वजह से उसकी पत्नी की जान गई है। इसीलिए वो डॉक्टर से बहुत लड़ा और उसने बहुत भला बुरा कहा उन्हें, और बाद में वो काफी दिनों तक यहाँ फोन भी करता रहा। ये हमारी टेलीफोन ऑपरेटर है, आप इनसे पूछ लीजिए। यस सर, वो आदमी शराब पीकर डॉक्टर अशोक को गालियां देता था। अच्छा, डॉक्टर अशोक को ये बात मालूम है? नहीं, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे लगा वो आदमी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, मैं डॉक्टर अशोक से मिलना होगा। आप बता सकती हैं कि डॉक्टर अशोक इस वक्त कहाँ होंगे? सर, वो बहुत दिनों से डे नाइट की ड्यूटी कर रहे थे। सर, आज ही वो एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं। आपके पास उनका नंबर है? जी हाँ। क्या है? जी 973-9882। 9882 लग गया। कोई उठा नहीं रहा है। लगता है घर से निकल गए होंगे। अच्छा, आपको मालूम है वो छुट्टी पे कहाँ जाने वाले हैं? जी नहीं। हमें उनका पता मिल सकता है? जी हाँ। सुनिए, रजिस्टर में से देखते डॉक्टर अशोक का पता लेकर आओ। ओके। और एक बात जी, हमें दुष्यंत का भी पता चाहिए। ओके सर। अभिजीत, सर तुम दया और सुधाकर दुष्यंत के घर जाओ। सर, हम डॉक्टर अशोक के घर जाते हैं। ताला लगा हुआ है। वैसे करना तो नहीं चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। सुधाकर सर, दरवाजा तोड़ो और देखो अंदर दुष्यंत की कोई फोटो है क्या। ओके सर। पता तो चले दुष्यंत दिखता कैसे। मैं पीछे की तरफ देखता हूँ। सुधाकर, गाड़ी से कोई सामान लेकर ताला तोड़ना जल्दी। ये देखो बच्चे के कपड़े, और ये गोली चलाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये पता नहीं कि छर्रे वाली बंदूक है या असली पिस्टल है। अरे ये बुलेट, ये देखो यहां पर भी, ये देखो। असली गोलियां दया। असली है। असली पिस्टल है दुष्यंत के पास, पूरी तैयारी कर रखी है, बहुत गोलियां चलाई है उसने। डॉक्टर अशोक को वाकई खतरा है। सर। हाँ सुधाकर, लगता है सुधाकर को कुछ मिल गया। हाँ सुधाकर। सर ये फोटो मिली अंदर से, लगता है ये दुष्यंत है। अच्छा, तो ये है दुष्यंत। डॉक्टर साहब कहाँ गए? ये ताला क्यों लगा हुआ है? जी डॉक्टर साहब तो अलीबाग चले गए। अलीबाग क्यों? जी दोस्तों के साथ गए। कैसे गए? वो अपनी गाड़ी से गए हैं? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी से नहीं गए, उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। फिर किसकी
किसकी गाड़ी से गए? जी वो हरीश की गाड़ी से गए। ये हरीश की गाड़ी का नंबर क्या है? जी हरीश जी की गाड़ी का नंबर नहीं पता साहब। अच्छा हरीश जी का पूरा नाम बताओ। नहीं साहब, बस इतना जानता हूँ कि डॉक्टर साहब के दोस्त हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। देखो हमें उनसे बहुत जरूरी काम है, जरा ठीक से सोच कर बताओ। हरीश साहब का पूरा नाम या उनका घर का पता या टेलीफोन नंबर कुछ तो मालूम होगा तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना पता है कि हरीश जी डॉक्टर साहब के दोस्त हैं और कभी कभी आते हैं यहाँ। डॉक्टर साहब के पास मोबाइल फोन है? हाँ मोबाइल फोन तो है, लेकिन वो यहीं छोड़ गए। अभिजीत कुछ पता चला? यस सर, एक फोटो मिल गई है, लगता यही दुष्यंत है। देखा है इसे, पहचानते हो? जी जी हाँ, यही आज आया था। अच्छा? और साहब के बारे में पूछ रहा था। कब आया था? जी साहब के जाने के 20 मिनट बाद आया था। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? जी बस इतना ही बताया कि साहब दोस्तों के साथ गाड़ी में अलीबाग गए हैं। अलीबाग? और कुछ बताया? जी पूछ रहा था कि गाड़ी का रंग कैसा है, कौन सी गाड़ी है, मैंने बता दिया साहब। कौन सी गाड़ी है, क्या बताया? जी गाड़ी गाड़ी जैन और उसका रंग था साहब सलेटी। सलेटी सर? सलेटी। अच्छा वो कैसे आया था, उसके पास गाड़ी वाड़ी थी? नहीं साहब, इसके पास गाड़ी नहीं थी। तो फिर ये मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से आया? उसका मोटरसाइकिल का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, वो नहीं देखा। डैम इट सर, मैं डॉक्टर अशोक को किसी भी तरह इन्फॉर्म करना होगा, वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और उनके पीछे मौत लगी हुई है। मौत? हाँ मौत। इस दुष्यंत के सिर पर तो खून सवार है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर अशोक उसकी पत्नी का खून क्यों करेगा, बल्कि कोई भी डॉक्टर अपनी पेशेंट की जान क्यों लेगा। बस निकल पड़ा है पिस्टल लेकर। हमें किसी भी हालत में इस दुष्यंत को रोकना होगा, डॉक्टर का खून होने से रोकना होगा। वो हॉस्पिटल से डॉक्टर अशोक का फोटो लाया था, वो कहाँ है? ये रही। और दुष्यंत का फोटो है? सही यहाँ पर। दया हमें डॉक्टर अशोक के पीछे चलना है, अब दिखाओ तुम कितनी तेज जीप चला सकते हो, वो लोग हमारे बहुत आगे निकल चुके हैं। सर मैं हरीश की गाड़ी का नंबर पता करता हूँ, मिलते ही आपको फोन करता हूँ। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म। आई जस्ट होप के डॉक्टर अशोक रेडियो अनाउंसमेंट सुने, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेट्स गो दया क्विक। जब तक हमें डॉक्टर अशोक की गाड़ी का नंबर का पता नहीं चलता, हमें हर गाड़ी पर ध्यान देना होगा। सर मैं सब मोटरसाइकिल वालों को भी देख रहा हूँ, बस सर हमें ये भी तो पता नहीं कि दुष्यंत डॉक्टर के कितने करीब पहुंच चुका होगा। दया जीप और तेज चलाओ, और तेज चलाओ दया। सर आप तो जानते ही हैं मैं गाड़ी कितनी तेज चलाता हूँ, और ऐसे हमने कई मुजरिमों को पकड़ा भी है। हाँ मुजरिमों को पकड़ा था, मगर आज हमें एक आदमी को मुजरिम बनने से रोकना है। जल्दी चलो दया। यस सर। इतने दिनों बाद इतने बढ़िया गाने सुन रहा हूँ, हॉस्पिटल से किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं मिलती। रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद। आ गया मजा। और अब सुनिए एक विशेष सूचना मुंबई सीआईडी से। मुंबई सीआईडी को तलाश है एक आदमी की जिसका नाम। मैं जो हो रहा है होने दो, हम तो चले अलीबाग आराम करने के लिए, मुंबई की टेंशन भाई मुंबई में रह गई, हमें क्या करना है? अरे यार कहीं सीआईडी वाले हमें तो नहीं ढूंढ रहे? अरे यार कहीं तू खून बून करके तो नहीं भाग रहा है ना? ऐसा ही है कुछ, गाड़ी तेज भगा। अरे पुलिस क्या, मौत भी अगर मेरे पीछे लगी ना, इससे तेज गाड़ी में भगा नहीं सकता भाई। और दुष्यंत मौत बनकर डॉक्टर अशोक के पीछे लग जाता है। उधर सीआईडी की दूसरी टीम थाने में डॉक्टर अशोक के मैटरनिटी होम में पहुंचती है। सर यहाँ। अरे फायर भाई तो कैसे कराए तो मुझे। जरा सुनिए, हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर अशोक के किसी आदमी से बात करनी है। क्यों क्या बात है? हम पुलिस से हैं, सीआईडी। पुलिस? हाँ पुलिस। जल्दी बताओ कोई है क्या डॉक्टर अशोक का आदमी? हाँ वो सेक्रेटरी है, मैं अभी बोला था। बोलो जल्दी जल्दी। लीलाताई आओ, लीलाताई आओ, लीलाताई इकड़े आ, पुलिस आली है। पुलिस? हाँ पुलिस आली है।
क्या हुआ? आप डॉक्टर अशोक की सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। देखिए डॉक्टर अशोक के एक दोस्त है मिस्टर हरीश, आप उन्हें जानती हैं क्या? जी ऐसे बताना तो मुश्किल है, उनके तो बहुत सारे दोस्त हैं। कोई टेलीफोन डायरी है जिनमें उनके दोस्तों के नाम फोन नंबर्स वगैरह हो? क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर अशोक को? जिंदगी और मौत का सवाल है। हे भगवान, आइए मैं आपको वो डायरी दिखाती हूँ। ये डॉक्टर अशोक की डायरी है, इसमें उनके खास खास दोस्तों के नाम हैं। हरीश चाहिए ना आपको? जी हरीश। हरीश शेट्टी, हरीश कपूर, हरीश जाधव, हरीश कुलकर्णी, हरीश कॉल, हरीश गुलाटी। सर इसमें तो हरीश नाम के 6 लोग हैं। हाँ मगर ये जो हरीश गुलाटी है ये डॉक्टर अशोक के पेशेंट है। अच्छा। बाकी शायद दोस्त हो सकते हैं। वो हम देखते हैं, इन सब को एक एक करके फोन करते हैं। पहला कौन है? हरीश शेट्टी। 2 8 4 5 3 6। हेलो, ये हरीश शेट्टी का घर है। देखिए आप लोग डॉक्टर अशोक को जानते हैं क्या? मिस्टर हरीश डॉक्टर अशोक के साथ अलीबाग गए हुए हैं? नहीं जी, हरीश कुलकर्णी साहब डॉक्टर अशोक के साथ अलीबाग गए हैं? नहीं अब नहीं। नहीं ओके थैंक यू। जी मैं मुंबई सीआईडी से बोल रहा हूँ। क्या हरीश कपूर घर पर ही हैं? अच्छा अच्छा, हरीश यादव साहब घर पर ही हैं मुंबई में। ठीक है थैंक यू। ये भी नहीं है सर, यहाँ पे भी कोई उठा नहीं रहा है। किसका नंबर है सर? ये हरीश कॉल का है। कहीं ये वही तो नहीं? फोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि डॉक्टर अशोक के साथ अली बाग गया हुआ। ये नंबर बांध रहता है। तुम ऐसा करो MTNL को ये फोन नंबर देके घर का पता मालूम कर लो, हम लोग अभी मुंबई चलते हैं। MTNL? बदन गुजारा है। अरे यार शशि कपूर की एक्टिंग कर रहा था, बदन गुजारा है बोल रहा है। मुझे लगा बदन गुजारा। भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा यार। एक विशेष सूचना सुन रहे थे। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुंबई CID के फोन नंबर 554-332 अथवा 552-533 पर फोन करें। धन्यवाद। अरे यार सुबह से बार बार एक ही खबर आ रही है, बार बार वही खबर। अगली सभा भैया पैसे ले जाओ, हमारा हो गया। अरे यार इस खबर ने तो परेशान कर दिया। किसने परेशान करके रख दिया भाई? मुंबई CID वाले किसी को ढूंढ रहे हैं, हर गाने के बाद वही खबर आ रही है। CID से बात करो, CID से बात करो। अरे तो वो आदमी नहीं मिला होगा जिसे CID वाले ढूंढ रहे हैं। हम लोग छुट्टी पे। हाँ बहुत साल बाद छुट्टी मिली। अभी 2 दिन तक टीवी रेडियो का बात नहीं करनी है क्या? कान पे हाथ रख, कान पे हाथ रख और निकल इधर से। 2 दिन टीवी रेडियो कुछ नहीं, निकल जा चल। टीवी रेडियो कुछ नहीं, चल बैठ बैठ।
भाई साहब सुनिए, ये बताइए यहाँ पे कोई सलेटी रंग की गाड़ी आई थी? सलेटी रंग की? हाँ, जिसमें दो आदमी बैठे थे। हाँ हाँ, अभी तो वहाँ बैठे थे वो दोनों। यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, अभी चले गए। किस तरफ? उस तरफ। ओ भाई साहब, कुछ खाएंगे नहीं क्या? मेरा खाना हो गया। जाओ भाई, आपकी मर्जी। सिर्फ फ्लैट नंबर 19 है। 18, 19 ताला लगा है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए। हाँ जी, बताइए। आप हरीश कॉल को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता हूँ, मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा, कहाँ है ये? ये तो आज अलीबाग गए हुए। अलीबाग? आपको उनकी गाड़ी का नंबर मालूम है क्या? गाड़ी का नंबर? जी गाड़ी का नंबर तो नहीं मालूम मुझे। वो क्या है ना, नीचे वॉचमैन है ना, उसे जरूर मालूम होगा। वो बिल्डिंग की सारी गाड़ियों को होता है वो रोज सुबह। अच्छा। उसे जरूर मालूम होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी? ये क्या चक्कर है? अरे सुनो, इधर आ। ये जो यहाँ गाड़ियाँ हैं, तुम ही धोते हो ना? हाँ जी, मैं ही धोता हूँ। तुम ही धोते हो ना? कुछ गलती होगी सर? नहीं, गलती नहीं हुई। देखो, 19 नंबर में जो हरीश साहब रहते हैं। हरीश साहब? हाँ, 19 नंबर में जो रहते हैं ना। हाँ, 19 नंबर में। हाँ, हाँ, उनकी भी गाड़ी तुम ही धोते हो? हाँ, मैं ही धोता हूँ। अच्छा, नंबर क्या है? नंबर? हाँ, नंबर नंबर MH0 क्या? MH0 ये तो पिल्ले साहब की गाड़ी का नंबर है। पिल्ले साहब की गाड़ी का नंबर हमें नहीं चाहिए। 19 नंबर में हरीश साहब रहते हैं, हरीश कॉल साहब। उनके पास एक जेन है, सिलेटी रंग की। अब तक तो दुष्यंत डॉक्टर अशोक तक पहुंच ही गया होगा। सर, क्या आपको लगता है दुष्यंत ने डॉक्टर साहब का अभी तक घूम लिया होगा? कह नहीं सकते, हो भी सकता है। अगर उसने मोटरसाइकिल तेज चलाई हो और डॉक्टर और उसका दोस्त रास्ते में कहीं रुक गए हो, तब तो पहुंच ही गया होगा। तब तो सर डॉक्टर साहब की रुकी हुई गाड़ी रास्ते में कहीं दिखनी चाहिए। और दुष्यंत ने तो खत में भी यही लिखा था कि वो डॉक्टर साहब को गोली मारकर ही रहेगा। और कितनी देर लगाओगे? एक नंबर नहीं याद रख सकते? रोज गाड़ियां धुलते हो साहब। इतनी सारी गाड़ियां हैं, किसी का नंबर 01 है, 02 है, 03 है, अब कैसे याद रखूं? अच्छा सुनो, कहीं सोसाइटी के ऑफिस में लिख कर रखा होगा, किसी रजिस्टर में लिखा होगा। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी कोशिश करो प्लीज याद करने की। हरीश जी की गाड़ी का नहीं, ये आदमी पूरी रात लगा देगा। ऐसा करते हैं, आरटीओ ऑफिस चलते हैं, वहां से हरीश कॉल की गाड़ी का नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन सर, आरटीओ ऑफिस तो बंद हो रहा होगा, शाम हो रही है। साहब याद आ गया। क्या लिखिए? है MH01 T9289। यही नंबर है ना? हाँ जी। तुम ऐसा करो, कंट्रोल रूम फोन करो, मुंबई ठाणे अलीबाग में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में ये नंबर भेज दो। यस सर। मैं एसीपी साहब को बताता हूँ, अलीबाग पहुंचने वाले होंगे। एसीपी साहब, गाड़ी का नंबर मिल गया है। रंग की गाड़ी MH01V9289, तो वही गाड़ी जिसकी हमें तलाश है। ए वॉचमैन, इधर आ। ये गाड़ी में कौन आया? शायद वो दो नंबर के साहब आया है। अच्छा, नाम पता कुछ लिखवाया वो अपना? उनका नाम शायद हरीश साहब है। हरीश? अच्छा, एक काम करो, उन साहब को बुला के लाओ। हेलो, हेलो। हाँ सर, वो जिस गाड़ी की हमें तलाश थी, ग्रे कलर जेन MH01V9289 मिल गई है सर। आई रिपीट सर, MH01V9289।
सब इंस्पेक्टर फेडरिक्स, एसीपी साहब अभी आते हैं, बैठ सकता हूँ। क्या यही गाड़ी है? जी हाँ सर। MH01V9289। जी। दे, इधर आसपास देखो। सर, आप हैं हरीश कौन? मुंबई से आए हैं। ये इन्हीं की गाड़ी? हाँ। ये चक्कर क्या है साहब? चक्कर छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। बता देते से बात क्या है? बताता हूँ। डॉक्टर अशोक आपके साथ आए? जी हाँ। कहाँ है वो? वो घूमने गए, यहाँ पर एक लेक है, बस वही गए। अच्छा। आ गया सर। सर यहाँ आइए। क्या है? क्या है? ये देखिए सर, इस मोटरसाइकिल का इंजन अभी तक गर्म है, अभी अभी कोई यहाँ आया है। सर ये मोटरसाइकिल दुष्यंत की भी हो सकती है, वरना कोई अपनी मोटरसाइकिल इस तरह छुपा के नहीं रखेगा। ये दुष्यंत कौन है? सर अगर ये दुष्यंत यहाँ पहुंच चुका है तो खतरा सिर पर आ पहुंचा है। हाँ सर। डॉक्टर अशोक किस तरफ गए? झील किस तरफ है? लेक बस सामने ही है। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। आज जितना गाना है गाले डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तेरा पीछा करते हुए आया हूँ डॉक्टर। मेरा पीछा? क्यों? तूने मेरी बीवी को मार डाला डॉक्टर। अगर तू उसका सही इलाज करता तो ये सब नहीं होता ना। ये तुम क्या कह रहे हो? तेरी जिंदगी का टाइम खत्म हो गया है डॉक्टर। दुष्यंत, दुष्यंत नहीं, देखो दुष्यंत नहीं, ये मत करो। दुष्यंत, दुष्यंत होश में आओ। गोली चल गई, दे जल्दी। देखो दुष्यंत, दुष्यंत पागल मत बनो। देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी और तू कहता है मैं तुझे जाने दूं। रुक जाओ दुष्यंत, पिस्टल फेंक दो। नहीं, डॉक्टर को मरना होगा। दुष्यंत पिस्टल फेंक दो नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे कहा डॉक्टर को मरना होगा। भागो जल्दी जल्दी। दुष्यंत, दुष्यंत दे जल्दी। दे जल्दी हाथों से फ्रेडरिक ले लो सर। वेरी गुड दे। रेडिक, रेडिक, संभाल के, संभाल। संभाल के दे। गोली पेट में लगी है डॉक्टर साहब, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। डॉक्टर साहब ये बच जाएगा ना? मैं तो इसे सिर्फ घायल करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। लगता है इंटेस्टाइन दो तीन जगह से फट गई है और जिस तरह से खून बह रहा है उससे लगता है कि एक आर्टरी भी फट गई है। तो फिर मैं खून रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अब बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। देखिए जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ, मैं इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, इन्हें मैंने माफ कर दिया है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू डॉक्टर। मैं अब चलता हूँ। जी डॉक्टर,
आपने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं इसलिए। पर मैं तो आपका खून करने वाला था। देखो दुष्यंत, तुम्हारी पत्नी की मौत डॉक्टर अशोक की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है, और तुम्हारा बच्चा शायद वो भी नहीं बचता अगर डॉक्टर अशोक नहीं होते तो। बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, छोड़ दिया था मैंने इसे। डॉक्टर साहब, इसका नाम मैं अशोक रखूंगा, आपका नाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।